हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफ दीपक गौतम आज आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान की मशहूर सब्जी जिसका नाम है पापड़ टमाटर की सब्जी। आइए जरा रॉ इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। इसके लिए हमें चाहिए होगा जीरा, हल्दी, मिर्ची, धनिया, दही, लहसुन, नमक, तेल, पापड़, टमाटर, कुछ कटे प्याज और हरी मिर्च। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे तेल, लगभग 2 चम्मच। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे जीरा और इसको भुनने देंगे। और जब तक ये जीरा भुनता है, हम कर लेते हैं लहसुन की कुछ क्लोव्स को क्रश और डालेंगे इस जीरे में। अभी हम इसमें डालेंगे अनियन, इनको हमें भुनना होगा सुनहरा होने तक। जब तक ये भुनते हैं, हम इसके लिए काटते हैं टमाटर। चेक करते हैं हमारे अनियंस को, ये हो चुके हैं तैयार। इसमें डालेंगे मसाले, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। इसमें मिलाएंगे थोड़ा पानी, इसी के साथ हम इसमें मिलाएंगे टमाटर। भुनेंगे इनको 2 से 3 मिनट के लिए, साथ ही इसमें डालेंगे दही और इसको पकाएंगे। और इसमें डालेंगे हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। इसमें डालेंगे हम पानी लगभग 2 से 2.5 कप। और अब हम इसमें मिलाएंगे पापड़ तोड़ के, कुछ इस तरह हम इसमें पापड़ डाल देंगे। इसको पकाएंगे हम ढक के 10 से 12 मिनट के लिए। करते हैं चेक हम अपनी पापड़ टमाटर की सब्जी। बहुत ही अच्छी खुशबू, पापड़ टमाटर की सब्जी बिल्कुल तैयार बनके। इट्स टाइम टू सर्व। इसकी गार्निश करते हैं हम हरे धनिया के साथ और कुछ पापड़ के टुकड़ों के साथ जो कि पहले से रोस्ट करके रखा है मैंने। इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा टमाटर। दोस्तों, तैयार है आपकी पापड़ टमाटर की सब्जी। राइस के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, मज़ा दोनों में बहुत आने वाला है। अगली बार फिर हाजिर होता हूँ आपके सामने एक नई डिश लेके। तब तक के लिए नमस्कार।